हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सन्नियम बावता ब्लॉग। तो गाइस रेडी हो चुके हैं, आज निकलना है ध्रुव की ड्रेस लेने के लिए। एक ड्रेस बनवाई है ध्रुव की, मैं आपको दिखाऊंगा चल के, बहुत अच्छी ड्रेस बनाई है, आज उसकी ट्रायल है। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ, अब मैं चलता हूँ। तो जैसा कि आज मम्मी ने खाना भी बनाया है, साग है मेथी वाला और एक दूसरा आटा है पता नहीं कौन सा, उसकी बढ़िया रोटी है, वो भी आज कहीं से आया है ट्रायल के लिए। तो अभी मैं चलता हूँ गाइस, पहले तो दो चपाती खाता हूँ क्योंकि दवाई ववाई लेनी होती है डायबिटीज़ की, फिर निकलते हैं हम। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज, पहले मुझे साकेत भी जाना है, आज दो तीन काम है, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। अभी तो घर से निकल रहा हूँ, बस नीचे जा रहा हूँ मम्मी के पास, वहाँ पर थोड़ा दो चपाती खा लेंगे और साग बनाया मेथी वाला हरा मम्मी ने। तो गाइज ये है अपना साग छका हुआ है, देखो टमाटर भी दिख रहे हैं, लहसुन अदरक सब कुछ गिरा हुआ है इसमें। अब मम्मी आ रही है, बस रोटी बनाएगी। साग तो बढ़िया लग रहा है सिकल देख के। अब इस पर लोनी घी भी डालूंगा मैं, थोड़ा सा घी भी होगा यहीं, नहीं तो फ्रिज में होगा। अभी रोटी बनाएंगी मम्मी गरम गरम। हाँ मम्मी, घी घी है सफेद वाला सब कुछ है। चल तो बना दे रोटी फिर। साग छौका कल्ली बना के छौकनी है। तो गाइज ये है अपना साग गरम हो चुका है, ये रोटी बन रही है तवे पे, और इधर है देसी घी ये कटोरी में ये रहा। तो ये है मेथी का साग, मटर घेर के बढ़िया तड़का वड़का मार के देसी खाना, ये दूध रखा है। तो अब हमारा ये है बटर, अब इसमें मैं बटर डाल लेता हूँ कटोरी में, फिर ऊपर से गरम गरम साग डाल देंगे तो मेल्ट हो जाएगा। ये भाई देसी डाइट, देखो ये गिर गया इसमें घी। अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से साग और फिर इसके साथ गरम गरम रोटी और अपना छाछ। तो ये कभी कभी मम्मी बनाती है तो फिर मैं यहीं आ जाता हूँ, यहीं खाते हैं खाना बैठ के आराम से। देखो अब ये सारा इसमें डाल देंगे तो ये बढ़िया एकदम मेल्ट हो जाएगा। चलो और मैं आपको डालने के बाद प्रॉपर दिखाता हूँ टेबल पर जब खाऊँगा। तो गाइज ये है रोटी, ये रहा अपना साग, अब छाछ आ रही है। ध्रुव छाए लिया, बस अब करते हैं बढ़िया अपना लंच और फिर चलते हैं अपने दो तीन काम है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। साकेत भी जाना है और वहाँ भी जाना है दो तीन जगह, मैं आपको दिखाता हूँ फिर। तो गाइज जैसा कि साग खाया रोटी खाई, पेट तो भर गया पर नीयत नहीं भरी। कहते हैं ना कि माँ के हाथ में तो जादू होता है, स्वाद ही इतना भाई, और वो भी हरा हरा खाना एकदम, मतलब हरा साग और बढ़िया वाली चार पांच किस्म का जो रोटी थी उसमें मिला हुआ आटे में, मुझे तो आज मज़ा आ गया वाकई में। चलो गाइस अब चलते हैं ध्रुव के कपड़े लेने के लिए। इसे ले चला अपनी रानी है ध्रुव, बता। वैसे तो वो भी बाहर खड़ी है तो बाहर है, उसे ही ले चलते हैं। आ जाते इसमें ही चल रहे हैं, वहाँ फिर जगह वगैरह मिले ना मिले। तो गाइस चलते हैं, ये खड़ी अपनी गाड़ी धोई धाई एकदम टनाटन, छतरपुर जाना है, साकेत जाना है। चलो तो गाइस 20 से 25 मिनट हो गए हैं घर से निकले हुए, ट्रैफिक लग रहा है, और अभी जो है छतरपुर पहुंचे हैं सीडीआर चौक से पहले वाली बत्ती पे। रेड लाइट भी बहुत देर से बंद थी, अभी खुली है, और इससे अगली बत्ती से अगली बत्ती पे हमें जाना है। टेलर का जो दुकान है उसका नाम है वेल्डन टेलर, तो आज वेल्डन टेलर की फिटिंग देखते हैं क्या देता है कपड़ों की फिटिंग, फिर और बनवाएंगे तो इसी से बनवाएंगे। आज इसकी ट्रायल है, एक ड्रेस बनवाई है उसको देखते हैं आज क्या मज़ा आता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ध्रुव साथ में बैठा है, जब ध्रुव पहनेगा कपड़े तो सभी भाई को कमेंट्स में बताना है कि कैसा है टेलर, आगे किसी को आना होगा वो भी आ सकता है। चलो और मैं आपको पहुँच के दिखाता हूँ। तो भाई वो पहुँच तो गए, जाम बहुत लग रहा है, यू टर्न लेने में भी बहुत टाइम लग गया। ये खड़ी कर दी गाड़ी, देखो कितना जाम लग रहा है सी डी आर चौक पे, चारों तरफ जाम है। और ये दुकान है वेल्डन टेलर, अब चलते हैं अंदर, अच्छी फिटिंग देते हैं बढ़िया एकदम ये। हाँ जी मास्टर जी, क्या हाल है? ठीक है भाई साहब, आप कैसे हैं? वाह बढ़िया, बन गए कपड़े बच्चे के इसके? हाँ जी भाई साहब, दिखाना एक बार। तो कपड़ा इनका दिखा देना जरा, ये इनकी दुकान है, यहाँ कपड़ा वपड़ा सब यहाँ ही है। जैकेट देखो, ब्लैक जैकेट होगा,
ये कोट है सारे, ब्लेजर वगैरह। वो पर्ची होगी ना आपके, चेक में होगा। हाँ 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 ये क्या 2470। हाँ देखो, सारे ब्लेजर है इधर, कपड़ा भी है। तो गाइज ये है ध्रुव की ड्रेस, जापानी ब्लैक पैंट थी। ये देखो पैंट की फिटिंग कितनी अच्छी दी है, प्रॉपर है एकदम, 20x22 मोरी है। ये देखो पूरी फिटिंग में एकदम। बेटा सीधा खड़ा हो थोड़ा, हाँ चप्पल मिला दोनों, बंद कर पैर। हाँ ये कमीज है देखो, बिल्कुल एकदम प्रॉपर फिटिंग दी है मास्टर जी। मास्टर जी बढ़िया सीते हो कपड़े तो। क्या नाम है तुम्हारा? महफूज आलम। अच्छा मंगलवार की छुट्टी रहती है गाइज इनकी, 6 दिन दुकान खुलती है, एक मंगलवार की छुट्टी होती है। कभी भी कोई भाई आना चाहे तो ये है कि मंगल को ना आए, और मैं पूरा बता दूंगा आपको, दिखा दूंगा इस ब्लॉग में। सिलाई तो बढ़िया करते हैं, इनके पास कपड़े भी सारे अपने हैं, कोट ब्लेजर ब्लेजर सब चीज़ें देखो, कितने अच्छे अच्छे चेक हैं, प्रिंट हैं, प्लेन हैं। तो ये यहीं अपना आराम से बैठ के बनाते हैं। ये अब 3 दिन में दे दिया था इन्होंने हमें बना के, पैंट शर्ट बढ़िया फिटिंग के साथ। चलो तो ठीक है, बढ़िया फिटिंग है। तो गाइस यहाँ तो हो गया है, थोड़ी सी फिटिंग जो है होनी थी वो कराएंगे और शाम को देंगे ये हमें 6 बजे। थोड़ी पैंट जो है यहाँ से टाइट थी तो ये कह रहे हैं मैं शाम तक इसको 5 बजे तक कर दूंगा, तो 5 बजे ले जाना। ठीक है, तो अब हम निकलते हैं साकेत के लिए। साकेत हमें जाना है, वहाँ भी एक काम है वो करके फिर जाएंगे घर। तो गाइस गाड़ी लगा दी है वहाँ पार्किंग में, अब चलते हैं हम अपने IDBI बैंक में साकेत में। यहाँ पे स्कॉर्पियो की EMI डालनी थी, डाल दी, और ये रही स्लिप, कल कटती है इसकी EMI 5 तारीख को, तो मैं 3 में कर देता था, आज एक दिन लेट हो गए, 4 को डाल दिया, कोई नहीं। तो गाइस अब निकलता हूँ मैं घर की तरफ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, और कमेंट्स में ये भी बता देना कि ध्रुव की ड्रेस कैसी लगी है। राम राम मेरे सभी भाइयों को।